सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग को बस एक सिंपल सा, बहुत इजी सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एकदम इजी इंग्लिश वर्ड है ये। इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट कर देना, दैट इज़ उसको थोड़ा रिवर्स कर देना। अब जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के सम्स है उसमें हम लोग हमेशा क्या ढूंढते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। वाई एक वेरिएबल दिया रहेगा, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक फंक्शन दिया रहेगा जो मोस्टली एक्स वेरिएबल में है। जैसे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप सब सम्स देख सकते हो, टोटल 9 सम्स है यहाँ पे। सब सम्स में वाई इक्वल्स टू कुछ ना कुछ तो एक्स के रिलेटेड फंक्शन दिया गया है। वाई इक्वल्स टू रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे भी एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, सब में आप देख सकते हो, सब में तुम लोग देख सकते हो कि y इक्वल्स टू एक्स है। और सब सम्स में हम लोग को एक सिंपल सा चीज ढूंढना है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करने का, अब ये डबल फंक्शन था इसलिए नॉर्मली हम लोग को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता था, ठीक है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है थोड़ा, कि अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जो भी विथ रिस्पेक्ट टू रहता है, ठीक है, जो भी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो एक्स वाला वेरिएबल है हमेशा वो मुझे मैं हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, दैट इज डी एक्स, ठीक है। जब भी हम लोग डेरिवेट करते हैं लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जो डी एक्स है वो हमेशा कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम है, जो भी विथ रिस्पेक्टेड टू मेरा मेन वेरिएबल रहेगा वो मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ये वाले सम्स में? वाई न्यूमरेटर में दिया है और हम लोग को वाई चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। वाई न्यूमरेटर में दिया है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये नॉर्मल हम लोग का इक्वेशन रहता है। हम लोग नॉर्मल वे में डेरिवेट करेंगे, बहुत ईजी है, एक बार डेरिवेट हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली लिखा है कि हम लोग को ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या ढूंढना है? विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो अब जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू रहता है वो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, मतलब जो मेरा डी वाई है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। लेकिन जब मैं वाई को नॉर्मल डेरिवेट कर दूंगा तो डी वाई तो न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट है बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, यहाँ पे लोगों ने फॉर्मूला दिया है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। जब भी मैं तुम लोग को स्टेप्स बता देता हूँ, बहुत इजी स्टेप्स है। जब तुम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेट कर दोगे, नॉर्मल जो भी हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को डेरिवेट कर देना है, ठीक है, डेरिवेट करके हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कुछ ना कुछ तो इक्वेशन मिलेगा। अब वो सम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्लियरली लिखा है कि डिफरेंशिएट जो भी करना है हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, मतलब हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं ढूंढना है, डी एक्स अपॉन डी वाई ढूंढना है। तो ये फॉर्मूला है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो हम लोग नॉर्मली ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब ये तो बचपन से करते आ रहे कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब ऊपर चले जाता है तो वो क्या बनता है? न्यूमरेटर बनता है। मतलब रेसिप्रोकल करना है, इजी लैंग्वेज में मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसको बस क्या कर देने का? पलटी मार देने का, ठीक है, दैट इज उल्टा कर देने का। ये वाला सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चाहिए तो मैं तुम लोग एक सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ईजी है समझने के लिए। अब तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या बोला है? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है, जो डिमांड है उसका हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ ढूंढना है। अब डिमांड के लोग ने वेरिएबल क्या यूज़ किया है? एक्स यूज़ किया है। ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, ठीक है। मतलब हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ढूंढना है किसके सामने? विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस के सामने। अब प्राइस का वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स? वाई। सो अब भी जस्ट मैंने क्या बताया, जो भी मेरा विथ रिस्पेक्ट टू रहता है वो मेरा डिनोमिनेटर में आता है, मतलब जो प्राइस है दैट इज माई मेन वेरिएबल वाई, वो कहाँ पे आना चाहिए? डिनोमिनेटर में, ठीक है। बस इतना याद रखना, अभी इसमें तुम लोगों को बस दो स्टेप्स याद रखना है कि वाई इक्वल्स टू इक्वेशन दिया रहेगा, वाई इक्वल्स टू इक्वेशन, ठीक है, उसको क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉर्मल वे में, ठीक है। जैसे हम लोग सम्स करते आ रहे पहले से डिफरेंशिएशन का, वैसे ही सम है ये,
ठीक है, y इक्वल्स टू इक्वेशन है, फिर क्या लिखना है मुझे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। अब यहाँ पे x है मेरा, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दूंगा, बहुत ईजी है, डेरिवेट करके हो गया, dy अपॉन dx मुझे मिल गया। जैसे कि मैंने बोला, डेरिवेट करके मुझे dy अपॉन dx इक्वल्स टू कुछ ना कुछ तो एक इक्वेशन मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को डिमांड ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज प्राइस। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब डेरिवेट करने के बाद y कहाँ पे आना चाहिए, डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो भी विथ रिस्पेक्ट टू रहता है वो नीचे आना चाहिए हमेशा, ये रूल है डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे नीचे क्या है, लेकिन dx है, ठीक है, मतलब मुझे ये dx को ऊपर लेके जाना है और ये वाले dy को नीचे लेके जाना है। तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है वो फॉर्मूला की मदद से, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यही जो फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, dx अपॉन dy, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल कर देना है, जो भी हम लोग ने ढूंढा उसको उल्टा कर देने का, ठीक है। सो dx अपॉन dy, यहाँ पे 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, जब भी डबल फ्रैक्शन आता है, ठीक है, मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, द होल अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब भी ऐसा आता है, तो अगर तुम लोग नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले पूरे पार्ट को अगर तुम लोग ऊपर लेके जाओगे, तो 9th 10th में पढ़ा है, जब भी डिनोमिनेटर को तुम लोग ऊपर लेके जाते हो मल्टीप्लाई करके, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, ठीक है। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दैट इज dx, वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये लिख दिया, हम लोगों को क्या करना है, dx अपॉन dy, और जो भी आंसर हम लोग ने ढूंढा है उसको भी उल्टा कर देने का। हम लोग ने क्या ढूंढा था, 15 प्लस 2x, 15 प्लस 2x का रेसिप्रोकल दैट इज उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 15 प्लस 2x। बहुत ईजी है, अब ये 1 कैसे आया पूछना नहीं, 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, जब नीचे कुछ भी नहीं रहता है तभी मतलब 1 रहता है डिनोमिनेटर में। अब जब मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 15 प्लस 2x, ठीक है। सम्स बहुत ईजी है, दो स्टेप्स है, बस दो स्टेप्स तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला, जो भी वाई इक्वल्स टू फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तुम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स करके कुछ तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या लिखने का, एक स्टेटमेंट लिख देने का, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग ने ढूंढा है, ठीक है। अब ये जब नीचे आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर का ऊपर जाके क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, तो इसको भी क्या कर देने का, उल्टा कर देने का। सब सम्स में यही फंडा यूज़ करना है, यही रूल तुम लोग को यूज़ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में, यही मेरा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब तुम लोग अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो वही क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जाम्पल मैंने बताया था, कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड वाई एक्स ऑफ द कमोडिटी ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस दैट इज मेरा वाई, ठीक है। तो वही दो स्टेप जो हम लोग ने किया था, जो मैंने बताया था एग्जाम्पल में, वही हम लोग को करना है। अब ये मेरा इक्वेशन है, तो सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉर्मल डिफरेंशिएट तुम लोग को करना है, जैसे हम लोग हर सम्स में करते थे पहले से डिफरेंशिएशन का, वैसे ही हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को इतना डिफरेंशिएशन के सम्स तो तुम लोग ने 11th में भी किए है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है, डबल फंक्शन का। तो बार बार मैं फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा, फॉर्मूलाज तुम लोग को ध्यान से अच्छे से पढ़ के तुम लोग को पूरा मन में रखना है, याद करना है। तो अब डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब 12 नंबर है, सिर्फ नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 प्लस 10 इंटू एक्स, ठीक है। अब 10 इंटू एक्स दैट इज फंक्शन है और एक नंबर है, तो जब भी नंबर और फंक्शन एक साथ आता है स्टूडेंट्स, तो नंबर बाहर जाता है, ठीक है, और सिर्फ फंक्शन डेरिवेट होके वापस से नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 बाहर जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1, सो 10 इंटू 1 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे वापस से नंबर और फंक्शन एक साथ है, दैट इज 25x2, सो 25 बाहर जाएगा, मेरा फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर कौन सा फॉर्मूला है सर, स्टूडेंट्स, एक्स रेस टू एन, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर जो है ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, दैट इज 1। अब 1 तुम लोगों को पावर में लिखने की कंपल्सन कुछ भी नहीं है,
तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो तो वैसे के वैसे 0 + 10 = 10 +25 2 = 50x। ठीक है, तो ये रहा मेरा dy अपॉन dx। इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बस मैंने नॉर्मल जो है अपना डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 12 का 0, 10x का 10, क्योंकि 10 बाहर जाएगा, x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले टर्म में 25 बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इज x^n, सो 2 × x^2 - 1, तो लास्ट में 25 2 = 50x। ये सब अभी तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे को dy अपॉन dx मिल गया। अब जैसे ही एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को क्या ढूंढना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब dx अपॉन dy, dy नीचे आना चाहिए। तो इसके बाद मैंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप, तुम लोग एक स्टेटमेंट लिखना है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसका फॉर्मूला है dx अपॉन dy = 1 / dy / dx। बस उसको उल्टा कर देना है, बस उसको रेसिप्रोकल करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये मेरा मेन फॉर्मूला है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy = 1 / dy / dx। तो ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। सो देयरफॉर dx अपॉन dy जो भी हम लोग, मैंने क्या बोला, जो भी हम लोग को आंसर मिला रहता है उसको क्या कर देने का, रेसिप्रोकल कर देने का। अब मुझे आंसर क्या मिला था, 10 + 50x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 / 10 + 50x। ठीक है, अब ये तुम लोग 12th में आओगे तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में या पावर में कुछ भी नहीं रहता, उसका मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 / 10 + 50x। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है, सब सम्स ऐसे ही है। अब इसका ही मैं थर्ड सम करता हूँ, सेकेंड सम तुम लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, इसका थर्ड सम बहुत ज़्यादा ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। y = 25x + log(1 + x²। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ईजी है, मतलब सेम है, तो दोनों मैच करते हैं एक साथ। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे सेकेंड और थर्ड दोनों ईजी है। डिफरेंस क्या है दोनों के इसमें, कि ये दोनों डबल फंक्शन है। पहले वाले सब में कुछ भी डबल फंक्शन नहीं था, दैट इज कंपोजिट, दैट इज मिक्स फंक्शन नहीं था, सेकेंड और थर्ड में है। क्यों? क्योंकि 18x और 25x तो मेरा नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन log(x−4) एंड log(1 + x²) ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास, दैट इज हम लोग के पास लॉग एक्स का फॉर्मूला है, ओनली लॉग एक्स, log(x−4) या log(1 + x²) ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स डबल फंक्शन है। अब डबल फंक्शन का रूल फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, उसमें दो फंक्शन रहता है, एक मेन एक प्राइमरी। मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई करके नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से लिख देने का, और फिर उसके बाजू में है वापस से जो एक्स के जगह पर रहता है, दैट इज मेरा प्राइमरी फंक्शन, वापस से डेरिवेट करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का हो जाएगा dy अपॉन dx = d/dx ऑफ जो भी मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बहुत इजी है, 25x का क्या हो जाएगा, 25 नंबर है वो बाहर जाएगा मेरा, x को डेरिवेट करेंगे, x का डेरिवेशन क्या है, 1, सो 25 × 1 = 25 प्लस। अब log(1 + x²), अब ये डबल फंक्शन है। अब डबल फंक्शन पहला क्या करने का, फॉर्मूले से मैच करने का। थोड़ा बहुत कौन से फॉर्मूले से मैच करता है, ये लॉग एक्स से, क्योंकि लॉग लॉग मेरा मैच करता है, फॉर्मूला मेरे पास एक्स के पास है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक्स के जगह पे क्या है, 1 + x², मतलब हमेशा मैंने बोला, अब हमेशा मैंने बोला है जो भी एक्स के जगह पे आता है क्वेश्चन में वो है मेरा प्राइमरी फंक्शन। तो ये जो है ये क्या है, मेरा प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, सो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/x। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/1 + x², जो भी है एक्स के जगह पे वही लिखा है मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन फंक्शन को डेरिवेट किया है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी एक्स के जगह पे रहता है, दैट इज मेरा प्राइमरी फंक्शन, उसको वापस से डेरिवेट कर दूंगा। अब एक्स के जगह पे क्या है, 1 + x². सो यहाँ पे वापस से उसको डेरिवेट करेंगे, 25 वैसे के वैसे
यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, अब इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, वन का अकेला नंबर है, नंबर का हो जाता है जीरो, तो अब उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस हो रहा है। एक्स स्क्वेयर इज एक्स रेस टू एन, दैट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स रेस टू टू माइनस वन, दैट इज वन। सो यहाँ पे सम खत्म। इसको एकदम अच्छे से अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो कुछ ऐसे मिल जाएगा मुझे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स मिला है, ठीक है, यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ, सेम लास्ट सम के जैसे वही ढूंढना हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब मेरा वाई कहाँ पे जाना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसके बाद वापस से मैं क्या लिखूंगा, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, वो फॉर्मूला मुझे यूज करना है, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी, क्योंकि इसके बिना हम लोग इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला लिखे बिना हम लोग इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको रीजन या फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। सो लास्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये ऊपर चले जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, इतना लिखने के बाद जो भी मुझे आंसर में मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स के, उसका क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब ये जो है इसको रेसिप्रोकल हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 अकेला है और वो प्लस हो रहा है एक फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूरा एक सिंगल टर्म लाने के लिए मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो फिर मैं उसको रिवर्स में कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, वन, तो वन होएगा 2x के साथ मल्टीप्लाई और ये होएगा 25 के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, सो 25 इंटू वन इज 25 प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वेयर इज 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x द होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये है मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स का और सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली रिवर्स या रेसिप्रोकल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक टर्म फ्रैक्शन में है और एक नॉर्मल टर्म है और वो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर मल्टीप्लाई होता तो मैं डायरेक्टली उसको रिवर्स कर सकता था, और प्लस माइनस में एक रूल रहता है मैथ्स में, ठीक है, अगर जब भी फ्रैक्शन आता है तो उसको डायरेक्ट प्लस या मैं उसको डायरेक्ट एक कॉमन डिनोमिनेटर के नीचे नहीं लिख सकता अनटिल वो सेम हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो एलसीएम करो। अब नॉर्मली सबसे बेस्ट इजी वे है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब 25 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 होएगा 2x के साथ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट होगा 25 के साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट में डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर मेरा कॉमन हो जाता है और फिर मैं पूरा द होल अपॉन लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर इज 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंड लास्ट में इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट विल गिव मी दिस ब्रैकेट ओनली, यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकता हूँ क्योंकि एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं था, यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट टर्म्स थे, एक 25 और एक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसको उल्टा कर दूंगा मैं रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इतना याद रखना है तुम लोग को, इतना याद रखना है तुम लोग को कि जो भी तुम लोग को आंसर मिलता है dy अपॉन dx, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, डैट इज फाइनल आंसर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा नीचे। सो ये है मेरा फाइनल आंसर, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी हम लोग ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा ब्रेन यूज किया ही नहीं इसके अंदर, बस दो स्टेप्स करना है, क्वेश्चन दिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के, इसमें एक बार डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढो, ठीक है। एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढ लिया, तुम लोग का आधा काम खत्म हो जाता है। अब सिंस क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है कि हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू y ढूंढना है, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई ढूंढना है, हम लोग ने डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढना है, तो इसको उल्टा करने के लिए मुझे इसका हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक बार मैंने ये लिख दिया और ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करने का, जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको उल्टा कर दो, ठीक है, और सम खत्म हो जाता है।